Chapter 7 Profit and Loss. If Bilal purchases a vase, अगर बिलाल परचेज करता है एक गुलदान फॉर रुपीज़ 3000 का एंड सेल्स और उसको सेल करता है सेल इट फॉर 4 years लेटर 4 साल के बाद फॉर ₹3500 इतने में उसने सेल किया व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय हिम उसको कितना प्रॉफिट हासिल हुआ सबसे पहले है सीपी कॉस्ट प्राइस उसने कितने का ख़रीदा 3000 जब रुपीस लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ डॉट लाजमन लगेगा फिर उसने सेल प्राइस उसने क्या रखी थी 3500 तो ये क्या होगा इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पे एक हेडिंग आनी चाहिए प्रॉफिट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नीचे एक हेडिंग होनी चाहिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क खैर वो आप डेटे में यहाँ डेटे की हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं फिर यहाँ पर फार्मूले की हेडिंग डाल सकती है और फार्मूला आ गया आपका प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी एस पी आपका ज़्यादा है सी पी कम है दोनों को माइनस किया आ गया आपका 500 और यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़ आर एस फिर आते हैं ये हमारा क्या निकला प्रॉफिट यहाँ पे चाहें तो हम प्रॉफिट लिख सकते हैं फिर आएगा जब प्रॉफिट निकल गया प्रॉफिट परसेंट अच्छा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट लॉस होगा तो लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट में भी आपका सेम है इसी तरह होगा और यहाँ सीपी होगा और लॉस परसेंट में भी इन दोनों की जगह लॉस आ जाएगा सीपी अपनी ही जगह रहेगा अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंट निकालना है तो आएगा 100 अब सीपी हमारी कितनी थी हमने डाटे में जाके देखा 3000 ये लिखा 3000 इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ 3000 सबसे पहले तो आप 2 zeros को इनटू ज़ीरोज़ से कट कर दें फिर ये एक से एक चला गया फिर ये आपके पास दो नंबर बचे यानी 50/3 ये रहे 50 और ये रहा 3 अब मैं इसको साइड पे डिवाइड करती हूँ ये रहा 50 और ये रहा 3 3 ones are 3 रिमेनिंग इज 2 ऊपर से आया 0 3 7s are 21 हो गया ज़्यादा 3 6s are 18 ये रहा 18 रिमेनिंग इज 2 डेसिमल लगा के 0 3 6s are 18 रिमेनिंग 2 फिर डेसिमल लगा हुआ है फिर हम एक और 0 लगा देंगे 3 6s are 18 फिर रिमेनिंग 2 अब कितनी मरतबा 2 आ गया 1 2 3 अटैम्प्ट आपका 2 आ चुका है और आप यहाँ इसको ड्रॉप अप करेंगे और अब ऊपर देखेंगे नंबर क्या आ रहा है 16.66 ये रहा 16.66 जब ये नंबर आपका एक्सिस में हो जैसे कि अगर मैं सेकंड डिजिट को देख रही हूँ अगर मैं यहाँ देख रही हूँ ये 5 है तो भी मैं लिख सकती हूँ 16.7 अगर यहाँ 5 है तो इसमें ऐड कर देंगे बशर्त ये कि यहाँ पे नंबर मौजूद हो मतलब 1 से लेके 9 के दरमियान अब ये क्या है 60 भी होता नहीं हो सकता था 65 होता तब भी हम 1 ऐड कर लेते अब इसी तरह से यहाँ पे जैसे 6 है 5 एबव है तो हम इसको +1 ऐड कर देंगे इस 6 के अंदर 1 को ऐड किया तो ये देखे 7 आ गया अब अगर हम ये चाहें कि इसको और ज़्यादा नज़दीक तरीन नंबर में दें तो जैसे यहाँ 0.5 होता तो भी हम 17 कह सकते थे लेकिन अगर हम रोकना चाहें तो यहाँ 7 लिखा रहने दें अदर देन अगर आप इसको लिख देती हैं कि मुझे 17% प्रॉफिट हुआ तो गलत नहीं है क्यों क्योंकि 5 या 5 to above अगर होगा तो जैसे कि ये है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे जब 1 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सना रन्स आ बुटीक सना कहाँ जाती है कहाँ भागती है बुटीक की तरफ शी बाइज अ ड्रेस उसने एक ड्रेस ख़रीदा कॉस्टिंग उसकी कितनी है 10,000 एंड सेल इट और उसने उसको सेल किया एंड सेल्स इट उसको सेल किया किसको टू हर फ्रेंड अपनी दोस्त को कितने में
9,800। तो पहले उसने ख़रीदा 10,000 में, फिर बेचा उसने 9,800 यानी 200 का उसको लॉस हुआ। व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, लॉस परसेंटेज, परसेंट लिखना चाहिए यहाँ, लॉस परसेंट शी बेयर्स। डेटे की हेडिंग आएगी, फिर लिखेंगे सीपी, एसपी। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, कितने का ख़रीदा, वो ये रहा। एसपी सेल किया कितने में, ये रहा। दोनों नंबर, अच्छा इसको हम इस अंदाज से कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ रुपीज़ लिख रहे हैं तो 1,000 यहाँ आना चाहिए, लेकिन अगर हम 1,000 पहले लिखते हैं तो यहाँ पे फिर हमें रुपीज़ लिखना है इस तरह, ठीक है। अगर RS आएगा तो फिर ये इस अंदाज से, और अगर आप 100 रुपीज़ ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह से, तो इसके बाद कभी भी RS नहीं आएगा। चलें, ये हो गया 10,000, ये हो गया 9,800, ये आपका आ गया पहले एक आना चाहिए लॉस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फिर आना चाहिए लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस क्या है, CP माइनस SP। हमारा यहाँ CP यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, ये रहा 10,000, इसमें से निकाला 9,800। हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है यहाँ, रुपीज़ 200 का लॉस। अब हम मालूम करेंगे लॉस परसेंट, जैसे मैंने बताया था यहाँ और यहाँ आपने प्रॉफिट रखा था, तो यहीं और यहीं पे लॉस आएगा, CP अपनी जगह रहेगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर SP लिख जाते हैं, बाई मिस्टेक SP का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस बियर कर रही है कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट, और परसेंटेज की वजह से 100। अब लॉस कितने का हुआ, 200, और 10,000 की परचेजिंग थी कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट की वजह से, ज़ीरो, दो ज़ीरो को दो ज़ीरो से कट, एक ज़ीरो को एक ज़ीरो से कट किया है, और फिर उसके बाद ये आ गया 10, और ये, अच्छा एक नहीं, हम ये दोनों को ही एक साथ कट कर देते हैं, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 200 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो, इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो, और सिंपल आपके पास आ गया लॉस परसेंट। अच्छा दो मरतबा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, या तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 2, या तो लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू 2%, ये इसका लिखने का तरीका होगा, सही है।